Hello guys, how are you? I hope you are well and healthy. So today in this video we are going to learn classics math exercise 4C guys. इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लासिक्स का मैथ एक्सरसाइज 4C. यदि इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4B का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से वीडियो को आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4C. एक्सरसाइज 4C में जो है आपका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आंसर लिखना है. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं. सो गाइस, ये रहा मोबाइल का स्क्रीन, तो आप लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पर अभ्यास 4C आपका दिया है. तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में इस तरह से दिया होगा, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है. तो मार्च से अगस्त तक यहाँ पर लिख रहा है, तो मार्च में 30 पंखे, अप्रैल में 50 और मई में 60 और जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 40. तो लिख रहा है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे. यानी कि एक पंखा बराबर 10 पंखे, तो मार्च में जब 30 पंखे पूरे बिके तो यहाँ पर कितना पंखा होगा, इसमें तीन ही पंखा ना होगा. जब तीन, यहाँ एक पंखा बराबर 10 पंखे, तो 30 पंखे बिके तो 10 को जब 10 से 30 में डिवाइड करेंगे, आप भाग देंगे, तो तीन ही पंखा ना आएगा. तो इसको इस तरह से इसका आंसर लिखना है. चलिए हम आपको बताते हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है. इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है. ये आपका पिक्टोग्राफ है. क्या है? पिक्टोग्राफ है. तो यहाँ पर मार्च में लिखना है तीन पंखे, उसी तरह से डिवाइड करके आप लोग को लिख देना है. जैसे इसमें दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, 50 दिया है, तो 50 से जब 10 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, 5. तो क्या करना है आपको, उस वाले जो बॉक्स है उस वाले बॉक्स में आपको 5 पंखे बना देना है. ओके, तो यही आपको इसमें करना है. इस तरह से आप लोगों को बना लेना है. चलिए हम आपको पूरा दिखा देते हैं इसको. तो इस तरह से कुछ बना है, देख लीजिए, यहाँ पर पूरा आपको दिखा दिए, इस तरह से बना है. तो चलिए हम आपको अब सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं. सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो इसी तरह से आपको करना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है. तो सप्ताह में घड़ियों की संख्या जितना बिका है, उस जिस हफ्ते में जिस दिन जितना बिका है उतना घड़ियों की संख्या दिया है. तो एक घड़ी बराबर एक घड़ी. तो यहाँ पर सोमवार को कितने घड़ी बिके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी तरह से सभी दिनों की संख्या में घड़ियों की बिकी हुई संख्या दिया गया है. चलिए हम आपको दिखा देते हैं. यहाँ पर आपके बुक में भी दिया होगा, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से दे दिया है. यहाँ पर रविवार तक दिया है. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाया है इसका, उसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. उसी क्वेश्चन का तो आंसर कैसे देना है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो कह रहा है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है. तो इस चित्र में आपको देख लेना है किस दिन घड़ियों की संख्या अधिकतम है. तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना है, इसका आंसर भी हम लिख करके रखे हैं. चलिए आपको दिखा देते हैं. तो इसका आंसर कैसे देना है आपको, यहाँ पर देखिए, इसका पहला आंसर जो है, सेकंड वाले का पहला आंसर है, यहाँ पर लिखना है, लिख रहा है क्वेश्चन में, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है. तो चित्र में आप लोग देख लेंगे तो रविवार को आपको मिल जाएगा. रविवार को घड़ियों की संख्या अधिकतम रहेगा. बुक में आपका चित्र है, आप लोग देख लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पर आप, चलिए हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं. तो यहाँ पर सेकंड वाले का दूसरा क्वेश्चन आपका लिख रहा है, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई. तो मंगलवार को देख लेना कितनी घड़ियाँ बेची गई. मंगलवार को 8 घड़ियाँ बेची गई. चलिए हम आपको चित्र में भी दिखा देते हैं. मंगलवार को जो है आपका, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं चित्र. यहाँ पर मंगलवार कहाँ पर है, मंगलवार यहाँ पर है आपका, मंगलवार यहाँ पर आपका दिख रहा है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 है ना, तो उस तरह से 8 घड़ियाँ बेची गई, इस तरह से आपको लिख देना है. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से. तो यहाँ पर देखिए, पूरे, अब तीसरा क्वेश्चन है दूसरे वाले का, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई. तो पूरे सप्ताह का गिन लेना है कितनी घड़ियाँ है. तो पूरे सप्ताह में कुल 43 घड़ियाँ बेची गई, 43 वॉचेस. ओके, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, दूसरे का फोर्थ वाला. तो यहाँ पर कह रहा है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने घड़ियों की बिक्री हुई. तो एक, जब एक घड़ी 200 की बेची गई हो, अभी एक मिनट बताते हैं. तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है, यदि एक घड़ी 200 रुपये की बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने घड़ियाँ बिक्री, कितने घड़ियों की बिक्री हुई. तो रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या कितनी है, 9 है. रविवार को 9 घड़ी बेची गई, एक घड़ी की मूल्य 200 है. तो प्रश्नानुसार कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो 9 का 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1800 रुपये. तो 1800 रुपये की बिक्री हुई कितनी, यहाँ पर रविवार को. ओके, तो इस तरह से आपको करना है.
अब देखिए क्या करना है इसमें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। तो बुधवार और शनिवार को घड़ियों की बिक्री कम हुई, इन दिनों केवल 4 घड़ियों की बिक्री हुई। तो आपके जब चित्र देखेंगे तो उसमें से ही समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चनों का आंसर। ओके, तो चित्र आपके पेपर में नहीं बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपका दिया है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो खेल यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या है। तो फुटबॉल में भाग लिए हैं 200 लोग, हॉकी में 140, क्रिकेट में 100 और कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 लोग। आंकड़ों को चित्र रेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। संकेत, 1 शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। तो यानी कि इससे 20 से आपको सम में डिवाइड करना है, जितना जितना यानी कि 20 से 20 से 200 में भाग देना है, फिर 20 से 140 में, फिर 20 से 100 में, फिर 20 से 80 में, 20 से यहाँ पर 20 में डिवाइड करना है। तो उसी तरह से चलिए हम आपको इसका आंसर भी दिखा देते हैं कैसे बनाना है। देखिए लिख रहा है खेल, इस तरह से आपको बना लेना है चित्ररेख द्वारा प्रदर्शित। तो इस तरह से बॉक्स बना लेना है, पहले लिख देना है खेल और शिक्षार्थियों की संख्या, 1 शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी दर्शाना है। तो फुटबॉल में 200 लोग भाग लिए थे, तो 200 से जब दो इसमें 20 से 200 में डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर 10 शिक्षार्थी बना लेना है। उसी तरह से सब में बनाना है, डिवाइड करेंगे जितना आएगा उसी तरह से सब में बना लेना है यहाँ पर जितना भी खेल है। ओके, जैसे यहाँ पर फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, शतरंज है। तो जितना जितना डिवाइड करने पे आएगा वही आपको उतने उतने जो है स्टूडेंट आप लोगों को बना लेना है ग्राफ में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ इस तरह से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्ररेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर चित्र रूप, यहाँ पर चित्र बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है दिन, दिन लिख रहा है, उसके बाद शिक्षार्थियों की उपस्थिति और एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी। तो सोमवार को यहाँ पर शिक्षार्थियों का दे दिया है, सब कुछ दे दिया है आपके बुक में। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर बस आपको देना है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, देखिए मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो इसका आंसर लिखना है कैसे, अब चित्र में देख लीजिएगा आंसर कैसे लिखना, चलिए बताते हैं। तो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, मंगलवार को तो 1 शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी, तो 5 शिक्षार्थी मंगलवार को दिए हैं, तो 5×7 हो जाएगा, तो 35 शिक्षार्थी उपस्थित हैं। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका बना रहा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी कि पूरे बच्चे किस दिन उपस्थित थे। तो मंगलवार को सोमवार को और शुक्रवार को किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी कि पूरा मंगलवार को, सोमवार को और शुक्रवार को। तो आप लोग चित्र में देखेंगे तो आंसर आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आंसर यह है, जब चित्र में आप लोग देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है चौथे का तीसरा क्वेश्चन है किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो शनिवार को लिख देना है इसका आंसर, शनिवार को। अब चौथा क्वेश्चन है बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। कितने शिक्षार्थी, बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। जब चित्र देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है वर्ष 2002, 2004, 2006, 2008 शिक्षार्थियों की संख्या 400, 500, 700, 600, 800। तो अब कह रहा है एक संकेत, एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्र रेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2000 में यहाँ पर 400 शिक्षार्थी दिए गए हैं, तो जब इससे 100 से हम 400 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। चलिए हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आंसर दिखा देते हैं आपको, आंसर कुछ इस तरह से है।
वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संख्या निरूपित कर रहे हैं? तो 4 संख्या निरूपित कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग आंसर लिख देंगे। वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए? तो वर्ष 2006 में कुल 6 संकेत। जब डिवाइड करेंगे आप 100 से तो आपको आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यदि एक संकेत बराबर 500 शिक्षार्थी निरूपित कर रहे हो तो एक अन्य चित्र रेख बनाइए। यह चित्र रेख आप लोग बना लीजिएगा, यह आंसर में भी दिया है, आंसर में से बना लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैथ के बुक का प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।